क्या हाल है बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सरवाइव करेंगे एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर चारों ओर डायनासोर फैले हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ डेंजरस डायनासोर ही दिखाई देंगे। और ये चैलेंज काफी हार्ड होने वाला है क्योंकि हमें सरवाइव करना है 100 डेज, वो भी डेंजरस डायनासोर के बीच में। और इन 100 डेज में हमें 3 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने हैं। पहला है अपने लिए बेस बनाना है ताकि हम डायनासोर से बच पाए। दूसरा है टीरेक्स को हराना और तीसरा है मैड साइंटिस्ट से हेलीकॉप्टर चुरा कर यहाँ से भाग जाना। मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसे ही मैं इस वर्ल्ड में आता हूँ वैसे ही मैं एक हेलीकॉप्टर में स्पॉन हो जाता हूँ और उस हेलीकॉप्टर की हालत टूटे हुए कार से भी बदतर थी। अरे नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। नहीं, ओ शिट, मुझे कूदना पड़ेगा। ओ भाई कैसे बचा मैं? और मेरा हेलीकॉप्टर फूट गया। भाई ये कौन से डायनासोर है? क्रैश को सरवाइव करने के बाद जब मैं जमीन पर आकर अपनी आंखों की गोटियां यहाँ वहां घुमाता हूँ तो वो स्वर्ग को प्रस्थान कर जाती है क्योंकि मुझे चारों तरफ एक से बढ़कर एक खतरनाक मोटे सांड जैसे डायनासोर दिखाई देते हैं। वैसे तो मैं एंडर ड्रैगन से भी नहीं डरता, लेकिन यहाँ पर मेरी फटके 4 हो चुकी थी और उसे और फाड़ने के लिए मेरे ऊपर एक डायनासोर अटैक कर देता है। अपनी आधे हार्ट की पोटली उठाकर मैं कैसे वैसे वहां से भागकर बाहर निकल जाता हूँ। कुछ देर ऐसे ही टहल कर डायनासोर की प्रजातियों का निरीक्षण करने के बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाता है और मैं फटाफट से जाके वुड तोड़ने लग जाता हूँ। यार वेदर को भी अभी खराब होना था और इतने सारे जानवर दिख रहे, कौन मारता है कौन नहीं मारता मुझे कुछ पता नहीं है। ये मारता है? जा पूछ क्या? कि ये नहीं मारते, जब तक हम लोग इन्हें कुछ ना करें तब तक ये बाकी के जन तो नहीं मारते। सबसे पहले हमें घर बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले वुड तोड़ना पड़ेगा। वुड तोड़कर मैं कुछ बेसिक इक्विपमेंट बना लेता हूँ और वहीं पर मुझे एक पिक दिख जाता है। सच बताऊँ इसकी कानी आंखें देखकर मुझे इतनी खुशी अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। एक काम करते पहले एक्स बना लेते हैं। अरे कहाँ गया वो पिक? ओके शिप दिख रही मुझे, यहाँ पर है मुझे शिप भी दिख रही है। ए रुक। अबे जैसे मैं पिक्स को मारता हूँ वैसे मुझे कुछ दूरी पर शिप्स दिखाई देती है और मेरी इन कानी आंखों की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। मैं फटाफट से सारे शिप्स के कपड़े और मीट चुरा लेता हूँ। मतलब यार मार देता हूँ, इतना दर्द नहीं हुआ उन्हें, थोड़ा सा हुआ रहेगा, एकदम थोड़ा सा। बड़ा हरामी हो बेटा। वहां से निकलने के बाद मुझे एक सोया हुआ हाथी दिखाई देता है। मैं सोचता हूँ क्यों ना इसका नींद में ही गेम उड़ा डालते हैं, लेकिन जैसे मैं उसे मारता हूँ वो मुझे ही उड़ा देता है और बम पे इतनी जोर की लात पड़ने के बाद मैं फटाफट से जाके बेड बनाकर सो जाता हूँ। और जैसे ही मैं बेड से सोकर सुबह बाहर निकलता हूँ तो मेरा स्वागत करने के लिए वहां पर एक जॉम्बी पहले से खड़ा था। मैं इस वर्ल्ड में अभी भी आया ही नहीं कि ये लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए पहले आने लग गए। जॉम्बी महाशय को ऑटोग्राफ देने के बाद मेरा सामना होता है इस वर्ल्ड के पहले सुतली बॉम्ब से, अरे क्रीपर से, जो अपनी अप्रतिम शक्तियों का इस्तेमाल करके फूट जाता है और मुझे कुछ ब्लॉक्स दे देता है। तो फ्री में कैसे बिना काम किए कैसे सामान लेना ना, कोई मेरे से सीखे। तो मैं सोच रहा हूँ बेस ना थोड़ा दूर जाके देखते, थोड़ी अच्छी जगह पर बनाएंगे जहाँ पर इनसे खतरा थोड़ा कम हो। फिर कुछ ही दूरी पर मुझे सैंड दिखाई देती है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना बेस के लिए सैंड ली जाए, लेकिन सच बताओ तो मैंने आगे ये सैंड कहीं पर भी यूज नहीं की है। ये लोग मारते तुम लोग मारते मारते नहीं 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 ओ बहुत जोर का मारते और सैंड लेकर जैसे ही मैं पानी की दूसरी तरफ जाता हूँ तो मेरे ऊपर एक डायनासोर अटैक कर देता है। कैसे वैसे मैं आधी चड्डी की तरफ फटे हुए मेरे हार्ट्स को उठाकर वहां से भाग निकलता हूँ और इस अपनी आधी फटी हुई चड्डी को पकड़कर डायनासोर के बीच में से बिजली की तेजी से भाग रहा था, लेकिन वहां पर भी मेरे ऊपर और एक डायनासोर अटैक कर देता है। ओह अब कौन मार रहा है? नहीं नहीं ओह सिर्फ 2 हार्ट पर? भाई क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, थोड़ा सांस तो लेने दो।
और मेरी आधी फटी हुई चड्डी को और आधा कर देता है। तीन हार्ट पर सर्वाइव करने के बाद मैं कुछ मीट खाकर अपनी हेल्थ वापस से रीगेन कर लेता हूँ। और उस पहाड़ पर थोड़ा सा चढ़ने पर ही मुझे पिछले मारे हुए डायनासोर्स के रिलेटिव माउंटेन के ब्लॉक में अटके हुए दिखाई देते हैं। समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ? समझ रहे हो? इसको ऐसा टपली मारो तो ओके। नहीं मार रहा हो और उसको यहाँ से मार सकते हैं क्या बे? वहां पे बहुत मार रहा था, तेरे रिलेटिव्स बहुत मार रहे थे। और फिर मैं उसे इतना जोर से पेलता हूँ कि अपनी मन की सारी भड़ास निकाल देता हूँ, क्योंकि भाई ऐसे वन ऑन वन तो मैं उसे मार नहीं सकता था। उसको मारने के बाद मुझे कुछ ही दूरी पर पानी में तैरता हुआ चिकन दिखाई देता है। ये देखो भाई, माइनक्राफ्ट में और रियल लाइफ में एक ही चीज कॉमन है, चिकन। मुझे वहां पर भी बहुत पसंद है और यहां पर भी। फिर मैं फटाफट से चिकन को स्वर्ग में भेजकर उसका मीट ले लेता हूं। बात यह है कि इंसान एक बार गलती करने पर वापस उसे दोहराता नहीं और उसी से सीखता है, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा अलग ही चलता है। मैं गलती को दो बार दोहराता हूँ और वापस से सीखता हूँ। आप खुद ही देखो क्या हुआ। तो मर गया क्या? इसको हम लोग इसको मारने पे हमें कुछ मिलता है क्या? नहीं मरा। भागो। आ रहा है क्या पीछे? अच्छा सो गया वापस। हो भाई ऐसे कैसे लेट कर सोते ये लोग? स्केलेटन की हड्डियों को तोड़कर पाव भाजी में मिलाने के बाद मुझे कुछ एरोज मिलते हैं, और जैसे मैं एरोज को लेकर आगे जाता हूँ तो मुझे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। भाई अभी हेलीकॉप्टर वहाँ पे विच क्या कर रही है? ओ नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे विच क्या कर रही है भाई? विच ओ देखा तो नहीं विच ने हमें? भाई सच बोलू, मेरा 100 डेज का टास्क सिर्फ कुछ ही दिन में हो जाता, लेकिन तुम्हें लगता है मेरा लक इतना अच्छा है? नहीं तुम्हें लगता है, सच में लगता है मेरा लक इतना अच्छा है? क्या ये कौन सा भाई? ये हेलीकॉप्टर तो खराब है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लगता है मेरी तरह मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी कोई तो गिरा था ऐसे ही। एक काम करते हैं, यहाँ पर रिस्क लेने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है, दूर चले जाते हैं। वहां से निकलने के बाद मुझे आखिर में अपना बेस बनाने के लिए एक काफी अच्छी जगह मिल जाती है। नहीं सोचो, इमेजिन करो कौन सी जगह होगी वो। पानी के ऊपर? जमीन के ऊपर? नहीं, वो होगी पेड़ के ऊपर। मुझे तो लगता है मुझे कुतुब मीनार और आईफल टावर के ऊपर ही घर बना देना चाहिए। देखो भाई, घर को बनाने से पहले मुझे पेड़ों के ऊपर एक बेस बनाना था, और बेस कुछ डोरेमोन की गैजेट की तरह उसके पॉकेट से नहीं आने वाला था। तो मैं फटाफट से जाके नीचे डर्ट माइनिंग करने लगा। एक काम करते, माइनिंग भी अभी करना शुरू कर देते, बस नीचे नीचे लग ना जाए कहीं से। काम करते यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तू मारेगा तो नहीं ना? नहीं बोल रहा। चलो माइनिंग करना शुरू कर देते। डर्ट माइन करके मैंने ऊपर का पूरा बेस बना लिया, और ऊपर जाने के लिए यानी कि पेड़ पर चढ़ने के लिए, पेड़ पर नहीं घर पर नहीं पेड़ पर, अरे जो भी हो, चढ़ने के लिए मैंने सीढ़ियां लगा दी। जहां पर से जो भी हो रहा हो यहां से सब दिखता है वो। और दूसरी चीज है, हमने नीचे जाने के लिए ये चीज बनाई है, लैडर बनाई है। बस मिट्टी का बेस बनाने के बाद अब बारी थी असली चीज को माइन करने की, जो कि है पत्थर, स्टोन। जी हाँ, स्टोन को माइन करने के लिए फिर मैं उसी वक्त लग जाता हूँ। और जैसे ही मैं स्टोन को माइन करने के लिए गड्ढे में कूदता हूँ, तो मुझे वहां पर एक सोया हुआ चीता, शेर या लकड़बग्घा, कुछ भी कह लो, मुझे पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, लेकिन वो दिख गया, जो कि शायद मेरे ऊपर आने के बाद नीचे जाकर वहां पर चुप गया था। और इतना ही नहीं, मैं उसे मार कर खत्म करने ही वाला था कि मेरे ऊपर से जॉम्बी भी गिर गया। हम लोग नीचे, मेरे पहली वाली माइन शायद कहीं यहीं पर। हाँ यहीं पर है। अंदर कौन है? ओए अंदर कौन है? ये सिम्लेडोन क्या होता है भाई? मेरे इसमें क्या कर रहा है तू? ओ शिट वो क्यों यहीं पर है? ये तो ओ शिट ओ नो, कहां से मार रहा है? ओ नहीं, ज़ॉम्बी कहां से आ गया भाई? पहले टाइगर कम था, ये जो ज़ॉम्बी भी मारने आ गया। अपनी फटी हुई चड्डी को सील कर मैं कैसे बैसे करके वहां से बाहर निकला, और बाहर निकल कर मैंने सबसे पहले उस ज़ॉम्बी को मारा। अभी ज़ॉम्बी को देखते, पहले इसको खत्म कर लेते हैं।
अब जाके उस शेर को देखना है, शेर या बाघ क्या पता कौन है, लेकिन कोई तो है। ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैं वापिस से नीचे उस चीते को मारने गया और मुझे वहां पर पता चला कि वो एक नहीं वहां पर दो दो चीते थे। इन शॉर्ट अच्छा ही हुआ कि ज़ॉम्बी आ गया और मैं वहां से टाइम रहते बाहर निकल गया, वरना ये मेरा उस रात डिनर बनाकर खा जाते। और वहां पे एक नहीं दो तीन है। दो दो है अंदर। ओके एक मर गया, लेकिन उल्टा मैंने ही उन दोनों की पाव भाजी बनाकर खा ली। ओ भाई फाइनली मर गए दोनों, क्या खतरनाक थे। कुछ ड्रॉप दिया है, हड्डियां दी रहेगी ऑफ कोर्स। क्या करूं मैं इन हड्डियों का, हड्डियां नहीं चाहिए भाई मुझे। और फिर ये सारी फिल्म खत्म होने के बाद मैं वापस से जाकर माइनिंग पर लग जाता हूँ। और कुछ देर माइन करने के बाद मुझे आखिर में कुछ आयरन ओर मिल जाते हैं। आयरन ओर कितने देर से मुझे वो चाहिए था। हमें बाद में जाके स्मेल्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि चार ही ब्लॉक है सिर्फ आयरन के। कोई बात नहीं, यहाँ पर एक है, ये ले लेते। मैं फटाफट से उन आयरन ओर को बेस पर ले जाकर आयरन इंगट बनाने के लिए डाल देता हूँ। और उतने में मैं अपने बेस के चारों तरफ फेंस बना लेता हूँ, ताकि कोई डायनासोर मेरे बेस के अंदर ना आ पाए। अब हमें शायद यहाँ पे डोर लगेगी, डोर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल डोर की डोर को रखते हैं बाजू में, देखते हैं हमारा आयरन हुआ है। आयरन हुआ है, चलो अब आयरन की चीज़ें बना लेते पहले। और फिर आयरन के कुछ टूल्स बनाकर मैं वापिस से माइनिंग के लिए नीचे चला जाता हूँ। आयरन पिकैक्स बना लेते हैं, आयरन हेलमेट लगेगा, आयरन पूरा आयरन का पूरा बना लेते हैं पहले। और फिर मैं तब तक माइनिंग करता हूँ जब तक मुझे डायमंड मिल ना जाए। एक काम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं स्टोन एक्स से माइन कर रहा था भाई, जो मिला को जो था वो भी चला जाता। यहाँ पर है मतलब यहाँ पे और भी होनी चाहिए, यहाँ पर यहाँ। ओ यस 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 यस, यस और है, ओ, और एक है, और 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 है। अरे यार इतने यार, ओह सामने था मेरे। और आखिर में बहुत दिनों के बाद मुझे डायमंड मिल ही जाते, क्योंकि भाई इस वर्ल्ड में डायमंड के बिना कोई आर्मर काम ही नहीं करता। डायमंड को माइन करके उस रात जब मैं वापिस से अपने बेस पर जाता हूँ, तो मुझे वहां पर मेरा ऑटोग्राफ लेने आए दो मॉब्स दिखते हैं, एक स्पाइडर और एक ज़ॉम्बी। ओ ये ऊपर कैसे आ गए, नहीं मुझे टॉर्चेस लगानी पड़ेगी ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ओके ये मर गया भाई। ये ऊपर कहां से आ रहे, ये स्पॉन हो गए शायद से ऊपर, क्योंकि मैंने सारे अपने टॉर्चेस अंदर माइन में लगा दिए थे, जिसकी वजह से मेरे बेस पर एक भी टॉर्च नहीं थी और ये दोनों वहां पर स्पॉन हो गए थे। अगले दिन मैं डायमंड और आयरन की कुछ चीजें बनाता हूँ और डायनासोर से मिले हुए हड्डियों से कुछ बूट्स बना लेता हूँ। लगाना पड़ेगा वरना वो ज़ॉम्बीज़ वापस से स्पॉन हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा है ना, एक काम करते हैं पहले शील्ड बना लेते हैं। अच्छा बोन्स, ओ बोन्स से बूट्स वगैरह भी बनते हैं भाई, तभी समझूं मैं, कुछ तो झोल झपट है इसमें। सच में वो अधमरा आर्मर पहनने के बाद मुझे सलमान की डिक्सी स्कॉट वाली एड की फीलिंग आ रही थी। पहनते हैं, लेकिन हमारी तरह डिक्सी स्कॉट नहीं पहनते। ओके ये हड्डियां मिल, हड्डियों के जूते, कैसा दिख रहा हूं मैं? ओ बनियान पे, जो बनियान पे बैठते हैं ना हम लोग, वैसे लग रहा सिर्फ पैंट के साथ में, बोले शर्ट है इसके पास, लेकिन बच गया, ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। और जब मैं अपनी डायमंड स्वॉर्ड को लेकर उसे टेस्ट करने के लिए डायनासोर के पास गया, तो सच में बताओ मेरा इतना बड़ा लॉल हुआ कि क्या बोलो, आप खुद ही देख लो। और अब जाते हैं और कुछ डायनासोर को मारते हैं। ये तो वैसे भी वीक ही लग रहा है, इसे ही मार लेते हैं, फिर भी डर लग रहा है। हम लोग छोड़ो, हम लोग मुर्गियां ढूंढेंगे। ओए नजदीक मत आ। ओ, आ, नहीं, ओ नहीं, आधा हार्ट है मेरा, नहीं मैं मर नहीं सकता। मॉन्स्टर से पीट कर आने के बाद मैंने अपने बेस पर एक छोटा सा फार्म बनाया और सारे फेंस पर मैंने टॉर्चेस लगा दिए, ताकि वापस से वो स्पाइडर और ज़ॉम्बी मेरा ऑटोग्राफ लेने ना आ जाए।
तक मेरी हेल्थ पूरी बढ़ जाए तब तक मैं नीचे भी नहीं जा सकता नया फ्लैश लेने के लिए। और वैसे भी रात हो चुकी है तो एक काम करते, बेड लगा ही देते। कहा यहाँ बेड अंदर रख दिया मैंने, पहले जाके हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना है। एक काम करते ऊपर से देखते कहीं कुछ है क्या, वहां पे नीचे टाइगर है, कैसे जाऊं मैं नीचे, यहां पर कुछ है। एक काम करते यार चुप चुप के जाना पड़ेगा कहीं से तो, पर खाना तो मुझे लाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। अब कौन चिल्ला रहा है, हो यहाँ ये पानी में फंस गया, हम लोग इसे मार सकते हैं क्या, पर ये मारने आ जाएगा अगर मैं उसे मार दूंगा तो। एक काम करते पानी के अंदर से जाके उसे मारते हैं। देख ओके बाय बाय टाटा सी यू अगेन, सॉरी मैंने तुम्हारे पास देखा। फिर कुछ दिनों तक मैं अपनी जगह को एक्सप्लोर करता रहा और अपना बेस बनाते रहा। आखिर में मेरा बेस बनकर तैयार हो गया। कितना परसेंट हेल्थ है इसका, अगर ओ शिट भागना पड़ेगा, नहीं मैं तुझे मारने कल वापस आऊंगा, अभी जाना पड़ेगा मुझे। आ रहा है क्या, अगर हम लोग इसे नहीं मार पा रहे तो जो मैड साइंटिस्ट को टीरेक्स प्रोटेक्ट करते हैं उसे कैसे मारेंगे बाबा। सो गाइस हम लोगों ने पूरा बेस तो बना लिया है और घर भी बना लिया है, एक मिनट में दिखाता हूँ। बीच बीच में मेरे पास जितनी भी सैंड थी वो सैंड डाली और कुछ और नीचे से लाई, जो जितना वुड और माइनिंग करके जितना स्टोन आया था उससे ये सब बना दिया। ये तो लॉग है, ये दरवाजा है अपना नॉर्मल सा, ये घर है अंदर से पूरा, यहाँ पे चेस्ट है जहाँ पे बाकी सारा सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे दोनों है फर्नेस और ये क्राफ्टिंग टेबल। ऊपर आने के बाद ऑफकोर्स मुझे बाहर सोना पसंद है तो मैंने बेड बाहर लगाया है, बारिश हो रात हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं यहीं पे बाहर ही सोऊंगा। और ये थोड़ा सा बाजू से ऐसा घूमने के लिए बनाया है, और ये बनाया वॉच टावर ताकि हम लोग दूर तक देख पाए आखिरकार हमारे बेस के नजदीक में क्या क्या चीज है। और हमें वैसे भी मैड साइंटिस्ट को भी ढूंढना है तो वो कहाँ पर मिलेगा वो अभी तक हमें पता नहीं है। ये देखो यहाँ से पूरा व्यू आ जाता है, कौन कहाँ पर है कौन क्या कर रहा है। लेकिन सबसे मेन चीज ये है, काफी दिन होने के बाद भी मेरा फार्म ग्रो ही नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसकी हाइट और डोरेमोन की हाइट एक बराबर ही है, बढ़ती ही नहीं यार। फिर मैंने अपना 10,000 IQ वाला दिमाग चलाया और तब मुझे जाकर पता चला कि भाई प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी लगता है और यहाँ पर पानी था ही नहीं, तो मैंने फटाफट से एक आयरन बकेट बनाई और नीचे से नजदीकी तालाब से जाकर पानी लाकर पूरा पानी से भर दिया, पूरा नहीं मतलब बीच बीच में भर दिया। देखो अब भी फटाफट से उग रहे, मैं तभी सोचूं मेरे प्लांट्स क्यों नहीं ग्रो कर रहे, तो पानी की जरूरत थी। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते थोड़ा एक्सप्लोरेशन पे जाते। फार्म को 10,000 IQ के साथ बनाने के बाद मैं नीचे एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया, तभी मुझे वहां पर वही एक शेर तेंदुआ भेड़ जो भी हो दिख गया और मैंने उसे फटाक से मार दिया क्योंकि अभी मेरे पास काफी अच्छे सारे वेपन्स थे। मैं कुछ कर नहीं रहा यार, क्या यार मैं कुछ नहीं कर रहा, तुझे मुझे क्यों उड़ा रहा है सेबर तू तो ये। ओके वी आर नाउ, अब बोल के दिखा क्या हो गया, अब कोई भी आ जाओ सामने, अब देखता हूं मैं एक एक को। रुको मुझे बुली कर रहे थे ना, कहां गया वो पंछी, यही था ना ये, रुक तेरा तो ये ले ये ले ये ले, मुझे मारेगा। एक मिनट खाना नजदीक रखना पड़ेगा हमें, क्या हो गया अब करके दिखा, वैसे बहुत पावरफुल है मेरी स्वॉर्ड का, कितना डायमंड स्वॉर्ड है ये और इसका डैमेज कितना कम पड़ रहा है, मर गया भाई ये तो उसे भी। ओ शिट अब किसने मार दिया, काओ 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 काओ। उसके बाद मैंने एक डायनासोर को मारा, उसके बाद मैंने एक बकरी को मारा, उसके बाद मैंने एक गाय को मारा, और कब इन गाय चूहे नहीं चूहे नहीं डायनासोर कब, और कब इन गाय और डायनासोर को मारते मारते मैं एक अजीब से पहाड़ पर पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने पहाड़ के नीचे देखा तो मेरा दिल दिलेर पाजी की तरह गानों पे नाचने लग गया। नीचे क्या है, नीचे विलेज दिख रहा है मुझे, और ये क्या है, विलेज के बाजू में गाड़ियां दिख रही है मुझे दो, क्योंकि नीचे मुझे एक विलेज दिख रहा था और उस विलेज में मुझे कुछ गाड़ियां भी दिख रही थी, लिटरली कार्स थी वहां पर।
और जब मैं विलेज में जाने के लिए नीचे जाता हूँ तो मुझे वहां पर एक साइंटिस्ट दिख जाता है। अरे ये कौन है? और उस साइंटिस्ट को लगता है कि मैं भी एक साइंटिस्ट ही हूँ और मैं अपने 10,001 IQ का इस्तेमाल करके उससे सारा सच उगलवा लेता हूँ, जो कि वो बताता है कि कैसे मैड साइंटिस्ट ने बनाए हुए रिसर्च प्रोडक्ट्स यानी कि खतरनाक आर्मर उसने इस सीक्रेट बेस में और इस विलेज में छुपा कर रखे हैं। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद उस साइंटिस्ट को समझ में आ जाता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ बल्कि कोई और ही हूँ। लेकिन तभी वो मुझसे दूर भागने लगता है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो विलेज में जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं था बाजीराव की तलवार और इट्स डेक्स के हाथ कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो मैंने जाकर उसे तलवार से मार दिया, क्योंकि यार सीक्रेट सीक्रेट होता है, वो बता देगा तो उन्हें पता चल जाएगा और वो वापिस से सारा आर्मर छुपा देंगे। और जब मैं आखिर में उस खुफिया अड्डे के अंदर गया, वो मैड साइंटिस्ट के रिसर्चर्स है ये, यहाँ पे क्या रखा हुआ, तो मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें मिली जो कि इन साइंटिस्ट ने मिलकर काफी सालों के साथ रिसर्च के साथ बनाई थी। सामान भैया, हमने इतना सारा माइनिंग किया वो सब वेस्ट था, हमें यहीं पे आ जाना चाहिए था पहले। यार कितने गोल्डन एप्पल है? 10, 7, 17। ये क्या चीज है? ये कौन सा शील्ड है? एक मिनट, ओए भाई साहब, ये कौन सा शील्ड है भाई? क्या है ये पक्का यहाँ पे इसी चीज का रिसर्च कर रहे होंगे और तभी शायद से सारे डायनासोर वहां से निकले होंगे बाहर। और फिर नीचे जाकर मैं उन चीजों को कुछ डायनासोर्स और मॉब पर टेस्ट करता हूँ। सही बताओ तो ये तलवार भाई इतनी ओवर पावर्ड थी, आप खुद ही देख लीजिए कितनी ओवर पावर्ड थी। ये पावरफुल है, ओके ये हमें डैमेज दे पा रहा है, लेकिन 25% हेल्थ कम हो जाती है इसके एक ही बार में। ओके ओके ओके, इनके अटैक पैटर्न मुझे समझ रहे हैं, अटैक पैटर्न मुझे समझ रहे हैं। ओके अब मारना होता है। जब भी सिर ऊपर करे तब मारना होता है उन्हें, पर ओके साथ उनकी हेल्थ रिकवर भी होती है। कुछ देर विलेज चीफ के घर को ढूंढने के बाद मुझे आखिर में उसका घर मिल जाता है। और जब मैं उसका चेस्ट चेक करता हूँ, उसमें वही साइंटिस्ट ने बताया हुआ ओवर पावर खतरनाक आर्मर था। सच बताऊं उसे पहनकर मुझे सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल होने वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था सबको मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, कोई नहीं बचेगा मेरे सामने। उसके बाद मैं वहां पर रखी हुई गाड़ियों को देखने जाता हूं। ये रही कार्स, भाई साहब क्या लिखा है इसके ऊपर? जुरैसिक क्राफ्ट, जुरैसिक पार्क लिखना रहेगा शायद, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। लेकिन ऑटोमेटिक है, देखो ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते हैं। ये देखो दरवाजा खुल गया, यह दरवाजा खुल गया, यहाँ पर गया दरवाजा खुल गया। कौन सी वाली अच्छी दिख रही है? देखो अगर रेड वाली लूंगा मैं तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर ग्रीन वाली लूंगा तो भी तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यार कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर दो। मेरे हिसाब से ये वाली ज्यादा कूल लग रही है, ये ले लेते, चलती है। ओ अरे इसे तो मरते भी सीधा, लेकिन बस एक ही हेल्थ कम होती है, ज्यादा नहीं कम होती है। लेकिन गाड़ी देखती है, मैं इन्हें उड़ा दूं क्या? मेरे पीछे लगते हैं भाई, कार देखो भाई ऐसी बनाई है। आ आ नहीं, ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, कार ऊपर नहीं आ रही है, अब क्या करूं मैं? अरे कार अटक गई। ओके ओके ओके, थोड़ा सा ये साइड में ऐसा करने पे, और नहीं मैंने और गंदा कर दिया शायद से। पहली गाड़ी खराब करने के बाद मैं आखिर में दूसरी गाड़ी लेकर वापस से अपने बेस की तरफ निकल जाता हूँ। अभी तो गाड़ी चलाना शुरू भी नहीं किया मैंने और गाड़ी की ये हालत कर दी। ओके चलो, क्योंकि भाई 100 डे काफी क्लोज आ रहा था और मुझे जल्द से जल्द वापस अपने बेस में जाकर खुद को स्टेबल करना था। लेकिन जब मैं वापस से अपने बेस के नजदीक पहुंचा तो मुझे अपने बेस पे एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? मेरे घर पे हेलीकॉप्टर दिख रहा है,
और ये इतनी लंबी पूंछ किसकी है? ये तो मैड साइंटिस्ट का हेलीकॉप्टर है भाई, मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। एक मिनट, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ। ओ यार ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी फंस गई। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। अरे ये ऊपर आवाज कैसे आ रहा है, ये तो सो रहा है क्या भाई, ये बहुत खतरनाक। ये तो मैड साइंटिस्ट है, ये नीचे क्या कर रहा है भाई, मर गया क्या, ये क्या था, वो नीचे क्या कर रहा था और वो हमें मारने क्यों आ गया था, वो तो गायब हुआ, मरा नहीं, वो गायब हो गया। ये क्या है, ये क्या दिख रहा है नीचे से, ये क्या छोड़ के गया वो ऊपर, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर यहीं पर है। एक मिनट, ओ शिट ये क्या है, ओ नो, ओ शिट, ओके, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, नहीं कौन सा, ओ नहीं, ओ शिट, साइंटिस्ट वापस अंदर कैसे आ गया, मैंने तो उसे नीचे मारा था। ओ नहीं नहीं नहीं, इसे पहले से मार दो, पहले से। क्या हो गया, ओ नहीं, ओ मुझे पहले गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा, मुझे कैसे भी, ओ नहीं यार बंद, मुझे रेडी होने दो, यस, अभी 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 नहीं, और मुझे लगता है ओके वापस से गायब हो गया, मुझे लगता है यही चांस है हमें ऊपर से लेके हेलीकॉप्टर निकल जाना चाहिए, अगर वो कुछ भी करे हमें फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर रहे ना रहे हमें हेलीकॉप्टर लेके निकल जाना चाहिए। और फिर मैं फटाफट से उस मैड साइंटिस्ट का हेलीकॉप्टर लेके वहां से निकल जाता हूं। गाइस अगला वीडियो इससे भी ज्यादा ओपी होने वाला है, तो अगला वीडियो मिस आउट ना करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कौन कौन लोग है जो वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, यार तुम्हारा एड्रेस दे दो, मैं अभी तुम्हारे घर पे आके तुम्हें हग कर रहा हूं। यार आई लव यू गाइस, यार बहुत मेहनत लगती है और जब आप ऐसे एंड तक वीडियो देखते हो तो सच में यार मजा ही आ जाता है। चलो एड्रेस मत भेजो, अपना कमेंट में नाम ही बता दो कौन कौन वीडियो के एंड तक आया। और गाइस फाइनली हम लोग 100K क्लोज आ रहे, तो यार कर दो जल्दी से 100K। मैं मिलता हूं तुम्हें ऐसी ही और एक खतरनाक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।